हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट फ्री हैंड स्केच, जिसका आज जो डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा हाफ राउंड फाइल, वो भी फ्री हैंड स्केच में और एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। 5 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, आप सिर्फ मुझे जैसे जैसे मैं बनाता हूँ उसको फॉलो करते रहिए। सबसे पहले आप फाइल के बारे में जान लीजिए, जो उसके मेन मेन पॉइंट होते हैं, क्योंकि उन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन पॉइंटों को आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सबसे पहले जो हाफ राउंड फाइल होती है वो 2/3 समानांतर होती है और 1/3 टेपर में होती है, ठीक है। कभी भी इसको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बनाना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम 2/3 समानांतर लंबाई लेंगे इसकी। ये हो गई 2/3 समानांतर लंबाई। उसके बाद इसके आगे हम 1/3 टेपर में लेंगे। इस तरह 1/3 हम टेपर में लेंगे, ठीक है। एक टेपर इसलिए रखा जाता है कि कोई भी स्लॉट वगैरह होता है जहाँ पे हम फाइलिंग करते हैं, तो उसमें अगर समानांतर लंबाई पॉइंट पर होगी तो वो डायरेक्ट उसमें नहीं घुस पाएगी, इसलिए आगे से टेपर रखी जाती है, जैसे कि किसी भी कम स्पेस वाली जगह पर आसानी से जा सके, ठीक है। तो इसको 2/3 समानांतर और 1/3 टेपर के बाद यहाँ से हम इसको इसका पॉइंट बना देंगे। यहाँ से क्योंकि फ्री हैंड स्केच में 3D में नहीं दिखाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये हाफ राउंड फाइल है या फ्लैट फाइल है। इसको यहाँ थोड़ा कर्व में ले जाते हुए इस तरह मैच करेंगे और यहाँ से इसकी साइड बनाएंगे। तो इसको भी आगे से हम ले जाते हैं। फिर यहाँ से इसके हम शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर के बाद में सीधे इसका फेरुल आता है, जो कि हैंडल में टैंक के साथ जाता हुआ है। इस तरह हाफ राउंड जो फाइल है उसका बेसिक डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें हम कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी बनाएंगे। यहाँ से नहीं दिख रहा है इसको बना देंगे, कवर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन लग रहा है इसलिए वहाँ पे शो नहीं कर रहा है उसके। अब हम इसके दांत बनाएंगे। दांत जो होते हैं इसमें फेस पर फ्लैट फाइल के जैसे ही होते हैं,
बिल्कुल हील को छोड़ते हुए इस तरह दांत बनाते जाइए। दांतों की जो बीच की दूरी है वो बिल्कुल एक दूसरे से समानांतर होनी चाहिए। एक दांत से जो दूसरे दांत की दूरी होती है बीच में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आप कॉपी में बिल्कुल आराम से रफ करके सही कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए इसको समझाएंगे। इसके बाद लाइन की दूसरी भुजा, जो यहाँ का पॉइंट होता है बिल्कुल इसे यहाँ से हम डार्क कर देंगे। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे कोई दांत नहीं कटे होते हैं। और जो इसकी साइड होती है उस पर सीधे दांत खींचेंगे, क्योंकि वो दांत साइड से बिल्कुल सीधे दिखेंगे। इसके बाद जो डायग्राम है बेसिकली पूरा हमारा बन चुका है। हम अब इसके हम पार्ट दर्शाएंगे, क्योंकि किसी भी फ्रेंड स्केच ड्राइंग में बनाने के बाद उसके हम पार्ट जरूर दर्शाएंगे, ठीक है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। सबसे पहले हम जो हैंडल की स्क्रैचिंग कर देंगे, क्योंकि लकड़ी का बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हैंडल। यहाँ हैंडल की स्ट्रेचिंग करने के बाद हम दर्शाएंगे कि ये हैंडल है। पार्ट जो होते हैं वो सभी फाइल्स में सेम वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स आपके वही रहेंगे। ये हैंडल हो गया, ये आपका फेरुल हो गया, फेरुल। उसके बाद ये जो सिरा है इसे हम टैंक बोलते हैं, और इस सिरे को हील बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि जिस सिरे पर दांत नहीं होते हैं वो सिरा होता है हील, और जो सिरा हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है और हैंडल के अंदर जाता है वो होता है टैंक, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा फेस, ये हो जाएगा आपका टिप या पॉइंट। इसके बाद में ये आपकी एज हो जाएगी, एज। और इसमें खास बात कि इसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा हील से टिप और पॉइंट तक ही ली जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो ये हब की हो गई है लेंथ। ये भी क्वेश्चन आता है कि लेंथ कहाँ से ली जाती। तो इस तरह आपका फ्री हैंड स्केच ड्राइंग में हाफ राउंड फाइल बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों
आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें बनाने में बिल्कुल 5 मिनट का टाइम लगा है, ज़बरदस्त ट्रिक है। जैसे जैसे कि मैंने बनाया है कि सबसे पहले 2/3 समानांतर लाइनें खींची हैं, उसके बाद 1/3 टेपर, उसके बाद में हमने इसका टिप और पॉइंट बनाया, उसके बाद एज बनाई, उसके बाद हम इसके शोल्डर बनाए, फिर फेरूल, फिर हैंडल। ठीक है, तो इसी तरह आप बिल्कुल बनाएंगे जैसे जैसे हमने बनाया है। ठीक है, और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है हमारा, इसकी प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। आप लोग जब एग्ज़ाम आता है तब इसकी तैयारी करते हैं तो आप ठीक से उसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हम पहले से ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तुरंत तुरंत के हम नहीं सीख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए आगे और डायग्राम लेके आएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।